नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 13 फरवरी 2019 इस दिन जो है वो सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। अभी पिछले ही महीने की 14 तारीख को, 14 जनवरी 2019 को सूर्यदेव ने मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन किया था और उस दिन को मकर संक्रांति महापर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर राशि भी शनिदेव की राशि थी, जिसका राशिफल जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी था, जिसका राशिफल भी आपको मिला। आज की भी जो राशि है वो भी शनिदेव की ही राशि है। आज की राशि का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि में राशि परिवर्तन है, ये भी शनिदेव की राशि है और इस राशिफल को जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही राशियां सूर्य के लिए तो भैया शत्रु राशि है, शनि की राशि है, शनि की राशि सूर्य देव के लिए शत्रु राशि मानी जाती है। अभी सूर्य देव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। किस चीज के लिए? ये आपके मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके यश के लिए, आपकी कीर्ति के लिए, आपके गर्व के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट आपको मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपके बॉस आपकी तारीफ करें, यदि आप चाहते हैं कॉलिग्स या फिर आपकी पूरी कंपनी आपकी तारीफ करें, तो इन सब तारीफों के कारक जो है ना वो सूर्यदेव हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, आप चाहते हैं बिजनेस बहुत आगे बढ़े, मेरा समाज जो है मेरी प्रतिष्ठा करे, मेरा मान सम्मान करे, तो इस सब चीज़ों के जो कारक हैं वो सूर्यदेव हैं। यदि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में या कुछ एक कस्बे में यदि आप अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के कारक सूर्य माने जाते हैं। समझ लीजिए सूर्य आपके लिए कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इतने ही महत्वपूर्ण जो ग्रह सूर्य हैं, इनका जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये कैसा होने वाला है, ये आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, जानते हैं एक एक करके। मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मीन राशि तक फिर हम लोग जाएंगे। चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको जो मेरे राशिफल मिलते हैं, आपको साप्ताहिक राशिफल मिलते ही रहते हैं, तो साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको यह बताता हूं कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहली बात, उसकी वजह यह होती है कि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर देखे जाने चाहिए वो चंद्र कुंडली से देखे जाने चाहिए। अब ये जो राशिफल होते हैं ना, ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। आप चाहे कहीं पर भी देखें, आप यदि राशिफल कहीं देखते हैं, कहीं सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये गोचरों के ही आधार पर होते हैं। इसलिए यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, यदि आपको अपने बारे में सटीक जानकारी लेना है, तो इसके लिए कई चीज़ों की जरूरत लगेगी। जैसे जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र और भी कई चीज़ों की, तो आपको जो है वो राशिफल जानना जरूरी है। लेकिन इस राशिफल को अंतिम ना माना करें, ये राशिफल जो है सामान्य स्तर पर होते हैं। जरूरी इसलिए राशिफल हो जाते हैं ताकि आपको ये पता चल जाता है कि किन क्षेत्रों में आपके लिए ग्रहों के गोचर अच्छे हैं और किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। चलिए दोस्तों समय को ज्यादा गंवाते हुए मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों की बात करें तो मुझे यहाँ पर प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी होती हुई नजर आ रही है, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, धन में वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही साथ यदि आप सरकारी नौकरी लगने के इच्छुक हैं, चूंकि सूर्यदेव जो है वो सरकारी नौकरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि आप सरकारी नौकरी लगने के इच्छुक हैं तो सरकारी नौकरी के योग या फिर सरकारी नौकरी लगने के लिए जो भी महत्वपूर्ण स्टेप्स हो सकती हैं उसे आप यहां पर इस महीने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं और उसमें सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ सकते हैं। इवन सरकारी नौकरी नहीं भी तो कम से कम नौकरी लगने के योग तो मुझे यहां पर बनते हुए आपके नजर आ ही रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए मुझे बहुत अच्छा समय जाता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी प्रतिष्ठा में वृद्धि और साथ ही साथ आपके लिए भी वही कहूंगा जो मेष राशि के जातकों के लिए कहा कि सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। मेष और वृषभ इन दोनों राशि के जो जातक हैं उनके लिए लगभग लगभग एक ही जैसी स्थितियां निर्मित होती नजर आ रही है।
यदि आप नौकरी करते हैं, वृषभ राशि के जातक यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग भी हैं, साथ ही साथ इंक्रीमेंट के योग भी हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी आप जो है अगले पायदान पर बहुत ही अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो वृषभ राशि और मेष राशि दोनों के लिए जो समय है बहुत अच्छा, बहुत शानदार समय बनता नजर आ रहा है। इस समय का, इस महीने का आपको फायदा उठाना चाहिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आपको कार्य अधिक फील हो सकता है, भागा दौड़ी ज्यादा फील हो सकती है, आपको उतार चढ़ाव, ये जो महीना है उतार चढ़ाव से भरा हुआ जरूर से महसूस हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि आज का दिन तो चलो ठीक गया, अच्छा गया, लेकिन कल का दिन जो है फिर आपको लगेगा कि यार बहुत खराब गया, या सुबह से लेकर रात तक मैं भागा दौड़ी करता रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मुझे रिटर्न मिली वो उतनी नहीं मिली जितना मैं चाहता था। अब ये आप एज ए स्टूडेंट भी इस चीज़ को ले सकते हैं, आप एज ए यदि बिजनेसमैन है तो भी इस बात को ले सकते हैं, नौकरी करते हैं तो भी आप इस बात को ले सकते हैं। आपको कार्य अधिक ज़्यादा फील हो सकती है, आपको मेहनत ज़्यादा इस महीने के लिए फील हो सकती है और उतार चढ़ाव से भरा हुआ महीना हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जो हैं डटे रहिए, मन लगा करके मेहनत कीजिए। आने वाला जो वक्त है वो तो अच्छा होगा ना, जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला महीना जो है वो अच्छा होगा। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की यहाँ पर बात करें तो देखिए, वाणी में उग्रता जो है वो बढ़ सकती है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, किसी से भी बात करते समय थोड़ा सा संयम बरते अपनी वाणी पर, अपने दिमाग पर। देखिए वाणी जो है उग्र क्यों होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ टेंशन होता है या दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल होती है तभी वाणी उग्र होती है, क्योंकि आप ही कभी मीठा भी बोलते हैं, आप ही कभी कटु भी बोलते हैं। तो जुबान का कोई दिक्कत नहीं है, जुबान खराब नहीं होती, हमारा दिमाग जो है, हमारा थिंकिंग सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग को भी कंट्रोल में कीजिए ताकि आपकी जुबान, आपकी वाणी जो है वो कंट्रोल में रहे और विवाद की स्थितियां न बन पाए। खर्च ज्यादा हो सकते हैं, सेविंग जो है ऑब्वियसली खर्च ज्यादा होंगे, सेविंग जो है वो नहीं के बराबर होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, सेविंग नहीं होगी, खर्च ज्यादा होगा ये जरूर है, लेकिन पैसा भी आपको मिलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इवन यदि आप बिजनेस करते हैं, कहीं बिजनेस पार्टनर है तो वहां पर भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कंट्रोल में अपने वाणी को, कंट्रोल में अपने दिमाग को आपको रखना चाहिए, विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां मुझे दिखती है, बहुत उपलब्धियां भी आप करेंगे, एग्रेसिव होकर के पढ़ेंगे। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं गुस्सा करके पढ़ेंगे, एग्रेसिव का मतलब ये है कि आप जो है ठान कर पढ़ेंगे, आप दृढ़ता के साथ पढ़ेंगे, आप सोच लेंगे मुझे पढ़ना ही है, मुझे ये चीज़ याद करना ही है, मुझे इस चीज़ को पाना ही है, और उस एग्रेसिवनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे इस महीने के लिए और फिर सफलता भी आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से या फिर बिजनेस पार्टनर के दृष्टिकोण से समय मुझे उतना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन यदि हम बात करें पार्टनर को छोड़ दें तो जो अलोन अकेले बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी करते हैं उनके लिए जो समय है वो एक सामान्य जाता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो नौकरी लगने के योग है जरूर से, आप यदि लंबे समय से नौकरी लगने का ट्राई कर रहे थे तो ये जो समय है आपको नौकरी जरूर से लगा देगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपकी होगी। अब देखिए नौकरी लगेगी तो प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होना स्वाभाविक है, कि अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी नौकरी लगी तो प्रतिष्ठा में लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा आपका काम हुआ, बहुत अच्छा, तो आपको भी बधाइयाँ मिली, दूसरों को भी, आपके माता पिता या आपके आपके साथी जो है आपको, आपका भला चाहने वालों को भी बधाइयाँ मिली, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन ना कहीं अशांति आपके मन में जरूर से हो सकती है, ये अशांति हो सकती है कार्य अधिक होने की वजह से, ये अशांति हो सकती है कि मैं नौकरी चाहता था 100 रुपए की, मुझे नौकरी लगी है 80 रुपए की। समझ रहे ना, जो आप चाह रहे थे वो ग्रेड, वो जगह आपको ना मिल पाए, ऐसे योग जरूर से मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके अलावा जो है वो आपके लिए समय जो है अशांति भरा जरूर है, लेकिन कम से कम नौकरी तो लग गई ना, तो इस चीज का भी खैर मनाइए। आप ये सोचिए कि जो मेरे पास नहीं था उससे ज्यादा ही मुझे मिला है, जो नहीं है उसकी चिंता करने का प्रयास ना करें। आज का दिन जो है, आज का समय जो है, ये महीना जो है, इसको अच्छा रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए,
आने वाले और भी समय हैं, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई, और भी समय है जब मन चाहे नौकरी, मन चाहे जगह जरूर से हम पा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपको इसमें संतोष करना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि हो सकता है कि उतनी अच्छी जगह ना मिल पाए, जैसे कोई ड्रीम कॉलेज है ना, आप वहाँ जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं जा पाए, उसको नहीं पा सकते, या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, जहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ वहाँ पर रह करके आप दृढ़ता के साथ कार्य कीजिए, आपकी सफलताएँ ज़रूर से आगे हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो पेट में स्पेशल पेट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है, पेट में कोई खराबी हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन लेकिन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए, स्पेशली जीआई ट्रैक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख लीजिए, पेट का स्पेशली ध्यान रख लीजिए, लेकिन इसके अलावा प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आती है, आय में वृद्धि होती हुई नजर आती है, धन के दृष्टिकोण से समय जो है वो बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई के दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना या खरीदना आप चाहते हैं तो ये जो समय है ये आपको जरूर से सफलताएं दिलवाएगा, लेकिन लेकिन अपने परिवार में अपनी माता का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू उन्हें हो सकता है जो कि तकलीफ पैदा कर सकता है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो आपको पर्याप्त मात्रा में भौतिक सुख सुविधाएं मिलने वाली है वृश्चिक राशि के जातकों को। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो वही कहूंगा जो मिथुन राशि के जातकों के लिए कहा था कि कार्य अधिक आपको फील होगा, भागा दौड़ी आपको फील होगी, कार्य में बढ़ोतरी आपको लगेगी कि यार काम जो है बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बदले में जो रिटर्न है वो उतना खास मुझे नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थितियाँ आपकी यहाँ पर निर्मित हो सकती है। अब यदि आप नौकरी करें तो भी, बिजनेस करें तो भी, स्टूडेंट्स हैं तो भी। धनु के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो वाणी में उग्रता, विवाद की स्थिति आपकी यहाँ पर निर्मित हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, चाहे पारिवारिक जनों से हो, चाहे आप नौकरी जहाँ करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ अपने कॉलिग्स लोगों से हो, चाहे समाज में किन्हीं भी लोगों से हो, विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, और सेविंग्स यानी कि धन को जमा करने में प्रॉब्लम जाएगी, जिसे लेकर के आपको चिंता भी इस समय के लिए हो सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, अशांति भी हो सकती है, मानसिक तौर पर आप जो है वो कमी महसूस करें कि यार चीज़ें उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मुझे अच्छी दिख रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है, इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी मुझे आपके लिए समय अच्छा ही दिख रहा है, तो जो मानसिक अशांति या मानसिक जो गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के, कोई चीड़ है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसे निकालने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, ताकि साइकोलॉजिकल जो फिजूल की चीज़ें आपने बना करके रखी हैं वो चीज़ें दूर हो सकें, और प्रैक्टिकल जो चीज़ें आपके पास है उसे आप देख सकें और उसे और आगे आप बढ़ा सकें। इनके बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण के योग बनते नजर आते हैं, आप हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ऑब्वियसली ट्रांसफर हो जाए और फिर ये आपको परेशानी दे सकता है, खर्च भी आपके ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं, स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, हो सकता है लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो जो कि ज़्यादा यहाँ पर आपको तंग करे, ऐसी स्थितियाँ इवन धन को लेकर के, खर्च को लेकर के, व्यय को लेकर के आपको जो है चिंताएँ यहाँ पर आने वाले वक्त के लिए हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मैंने आपको राशिफल बताया, ये जो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करना आपके लिए कैसा होने वाला है, ये जो महीना है ये कैसा होने वाला है, मैं अब आपको उपाय बताता हूँ। देखिए जिनके लिए मैंने कहा है कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत देने वाला है, परेशानी देने वाला है, उन्होंने रोज सुबह के वक्त सूर्यदेव को जो है वो जल देना चाहिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। अब कई लोग कहते हैं उसमें क्या हम फूल डालें, कई लोग कहते हैं चावल डालें, शक्कर डालें, गुड़ डालें, मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा इस तरह की, ये सलाह तब दी जाती है जब मैं आपकी पर्सनल कुंडली देख लूं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूंगा कि जो सादा पानी होता है, सादा जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो आप जो है सूर्यदेव पर रोज सुबह के वक्त अर्पण करें, सूर्यदेव के 12 नाम होते हैं वो 12 नाम ले लें, साथ ही साथ एक और मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः,
इस मंत्र का भी आप जाप रोज सुबह के वक्त करें, 108 बार करें तो बहुत अच्छी बात है। इवन इस महीने गेहूं का या उन अनाज का जो अनाज से रोटियां बन सकती है, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इनसे रोटियां बन सकती है, ऐसे अनाज का किसी भी फॉर्म में दान करें। किसी फॉर्म का मतलब साबुत अनाज का दान कर सकते हैं, रोटी का दान कर सकते हैं, थुली दलिया होती है उसका दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इस अनाज का दान आपको यहाँ पर करना चाहिए, स्पेशली रविवार के दिन। तो ये जो समय है आपको इतनी तकलीफें नहीं देगा। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा आज के इस वीडियो में। धन्यवाद।